बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाता था, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बीमा सखी योजना का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में 1,00,000 महिलाएं पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, और ऐसे में महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित महिलाओं को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 1,00,000 महिलाएं पहुंचेंगे। महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ऐसे में प्रशिक्षित महिलाओं को बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में 1,00,000 महिलाएं पहुंचेंगी। महिलाओं को स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, और ऐसे में कई योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए सोनिया, आज 2 दिसंबर है, 9 दिसंबर का कार्यक्रम है। आज ही के दिन अगले हफ्ते, मतलब एक हफ्ता रह गया, आज ही के दिन प्रोग्राम रहेगा। विशाल पंडाल तैयार किया गया सेक्टर 13-17 पानीपत में। पहले तो ये था कि 40,000 से 50,000 महिलाएं लाई जानी थी, लेकिन अब उसमें अपडेट ये है कि 1,00,000 महिलाओं को यहाँ इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश की जाएगी जी। 1,00,000 महिलाओं के लिए कम से कम 1,50,000, पहले तो 1,000 बसों का इंतजाम था। 1,000 बसें प्रदेश के सभी जिलों से आएंगी, लेकिन चूंकि संख्या बढ़ गई है तो मेरे को लगता है 1,000 से भी ज्यादा बसों से ही महिलाएं और अपने साधनों से आएंगी, और पूरे प्रदेश से 22 जिलों से तो महिलाएं आएंगी, लेकिन दूसरे प्रदेशों से भी आएंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एक बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। बीमा सखी का मतलब चयनित महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी 3 साल के लिए जी। पहले साल में उनको 7,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और प्लस कमीशन मिलेगा जो वो बीमा करेंगी जी। मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही। दूसरे साल में 6,000 रुपए और तीसरे साल में 5,000 रुपए महीना, और कमीशन जो होता है LIC में कमीशन अच्छा होता है स्कीम्स में। तो 1,00,000 महिलाएं लाई जाएंगी, उनमें ये योजना का शुभारंभ होगा। उसके बाद चयनित की जाएंगी पूरे देश से, उनके जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, जो पात्रता होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 1,00,000 महिलाओं का आना मतलब बहुत बड़ी संख्या है, और महिलाओं को जागरूक करने में, उनमें राजनीतिक जागृति लाने में, अब ये स्वरोजगार की योजना है। क्योंकि 22 जनवरी 2015 को 10 साल पहले प्रधानमंत्री आए थे, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे मई में, लेकिन अगले साल 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान था। जिस तरीके अभी भी बीमा सखी है, ये भी राष्ट्रीय स्तर की LIC की योजना है। तो तैयारियां कई दिनों से चल रही है, इसमें बहुत गणमान्य लोग हैं, या मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे, सांसद रहेंगे, आसपास के प्रदेशों से भी कई गणमान्य व्यक्ति, बिजनेस लाइन के जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाया जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। तो भारी संख्या में पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, पानीपत के अलावा हरियाणा की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज लाई जाएंगी, कमांडोज होंगे, NSG के कमांडोज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मतलब सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। तैयारियां पिछले 20 दिन से चल रही हैं, अभी एक हफ्ता और रह गया है, आज ही के दिन अगले सप्ताह प्रोग्राम है, तो पूरा उत्साह है। कार्यक्रम प्रबंधन जो कर रहे हैं लोग, उनमें भी ये है कि इस कार्यक्रम को एक बढ़िया तरीके से पेश किया जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, महिलाओं को सरकार उनके लिए योजनाएं तो ला ही रही है, उनका सशक्तिकरण भी करी है, और इस तरीके से स्वरोजगार की ये योजना है, तो महिलाओं में भी उत्साह है। अब देखना है
क्योंकि कार्यक्रम जिस तरीके की तैयारी है, कार्यक्रम भी अच्छा और शानदार कार्यक्रम होना चाहिए। जी देवेंद्र कथूरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।